और ये देखिए यहाँ पर रास्ते पर कितना पानी है। जो कुछ भी हुआ वो आपने भी देखा कि वहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वेस्ट हो गए थे। हमको यहाँ पर फंसे हुए करीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। ओके, वैसे भी पीछे रास्ते पर इतना पानी था, वहाँ पर भी हमारे कितना टाइम वेस्ट हो गया था, और अभी भी यहाँ पर आगे भी बहुत ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। इट्स बिन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। गर्मा गर्म कांदा भजी के साथ ये देखिए मज़ेदार नज़ारे। अगर आप इस रास्ते से आ रहे हो तो फिर एक बात ध्यान में रखना कि सच बताना, कभी ना कभी गोवा आने का प्लान तो किया ही होगा। अगर आ गए हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ पाए हो तो भरोसा रखो, क्योंकि कभी कभार जो काम सालों में नहीं हो पाते हैं ना, वो तो बस एक ही दिन में हो जाते हैं। So, अभी घड़ी पर बज चुके हैं 7:17। हम तो निकलने वाले थे 6:15 बजे। So, अगर आपने हमारे वीडियो का टाइटल देखा है तो फिर आपको पता चल ही गया होगा कि आज के इस व्लॉग में हम आपको कहाँ लेकर जाने वाले हैं। सो यस, यू आर राइट। सो आज की हमारी ट्रिप होगी फ्रॉम पुणे टू गोवा वाया अनस्कुरा घाट। सो रास्ते की कंडीशंस कैसे हैं, रास्ते पर आप कहाँ पर खाने ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस व्लॉग में पूरी जानकारी देंगे। सो इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। ओके, सो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हम जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि हम गोवा जाने वाले हैं अनस्कुरा घाट से। सो अनस्कुरा घाट का रास्ता कैसा है इसके बारे में भी हम आपको इस व्लॉग में ज़रूर बताएंगे। सो अभी घड़ी में बज चुके हैं 7:15। हम तो 6:30 बजे निकलने वाले थे लेकिन देर हो गई, अभी 7:15 बज चुके हैं। ओके, सो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए हम रुकेंगे करीबन 8:30 बजे, क्योंकि हमें हमारे एक दोस्त को भी कलेक्ट करना है। नहीं तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रेस्टोरेंट बहुत है, विट्ठल कामत है। ओके, लेकिन हम 8:30 के बाद ही ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ रुकेंगे इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। सो चलिए इस जर्नी की करते हैं शुरुआत। लेट्स गो टू गोवा। ये हमारे राइट साइड में देखिए कितना ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन ये देखिए खूबसूरत नजारे। सो अभी फिलहाल तो हम पुणे में ही हैं, पुणे से कराड़ जा रहे हैं, और यहाँ पे हमको मिला है ट्रैफिक। शायद आगे डाइवर्जन है। यस, सो यहाँ पे काम चालू है रास्ते का और यहाँ पे डाइवर्जन है, इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक हुआ है। ये हमारे सामने आ गया है हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल। सो इस टोल का प्राइस क्या है ये भी आपको जरूर बताएंगे। सो इस टोल का नाम है कटरज टोल। सिंस इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, इसीलिए आज रास्ते पर कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है। अभी हमने क्रॉस किया है हमारी जर्नी का पहला टोल जो है कटरज का टोल। सो इसका प्राइस है 115 रुपीज। सो चलिए अभी जर्नी का कंटिन्यू करते हैं। सो अभी गाड़ी में पहले डालेंगे पेट्रोल और उसके बाद हम हमारी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये है जियो का पेट्रोल पंप। ओके, और यहाँ पर भी एक स्नैक सेंटर है, यहाँ पर आपको समोसा वगैरह मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए अभी यहाँ पे पेट्रोल डालेंगे। अभी ये देखिए हमारे सामने ही है वो एक शॉप है। सोच रही यहाँ पे कुछ चिंगम्स और चॉकलेट्स भी लेंगे।
ओके, रास्ते पर खाने को मिलेगा। आज इंडिपेंडेंस डे है इसीलिए यहाँ पे सारे डेकोरेशन शायद किया हुआ है। यहाँ पे आपको समोसास, बर्गर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पर लूंगी चिंगम। ये मैंने मिंट लिया है और कुछ चॉकलेट्स लेंगे, स्निकर्स लेती हूँ। ओके, अभी ये तो हम पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड टोल पे और यहाँ पर कुछ शायद झगड़ा चल रहा है आगे। बस हमारे गाड़ी के बस दो और गाड़ियाँ हैं और पता नहीं क्या हुआ है वहाँ पर। अभी बस 20 मिनट हो चुके हैं हम यहाँ पर ही हैं कि हमारे गाड़ी के पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। चलिए अभी गाड़ी को पीछे लेंगे और दूसरे लेन में जाएंगे। यहाँ पर तो टाइम और वेस्ट हो गया। सो अभी हमने कवर किया है हमारा सेकेंड टोल के जो है जो सतारा में था। सो वी स्टिल हैव मोर अराउंड 73 किलोमीटर्स टू रीच कराड। ओके, सो वो सेकेंड टोल का प्राइस था अराउंड 80 रुपीज़। सो वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो आपने भी देखा। ओके, सो वहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स वेस्ट हो गए थे। तो फिर चलिए अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं टू कराड। ओके, सो वी स्टिल हैव 73 किलोमीटर्स लेफ्ट टू रीच ओवर देयर। एक्चुअली हमने प्लान तो हमारा ऐसा था कि हम करीबन 9 बजे तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकेंगे। अभी आगे ट्रैफिक देखिए कितना दिखा रहा है हमको। तो बस मैकडोनल्ड्स में अभी जाना था, यही आगे बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मैकडोनल्ड्स हैं, वहाँ पर एक बर्गर खाएंगे। यहाँ पर देखिए इतना ट्रैफिक है, कराड़ का रास्ता एक बंद है। ओके, इसलिए हमको ये सर्विस लेन लेकर आगे जाना पड़ रहा है। और सर्विस लेन पर देखिए कितना ट्रैफिक है। अभी हमको करीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम यहीं पर हैं एक ही जगह पे। रास्ते पर देखिए कितना ज़्यादा पानी है। ओके, बस अभी कुछ ही किलोमीटर आगे मैकडोनल्ड्स है जहाँ पर हम रुकने वाले हैं, लेकिन यहाँ पानी देखिए कितना है। और अभी ये हमारे लेफ्ट साइड में ही है मैकडोनल्ड्स, शायद यहाँ पर भी बहुत भीड़ है। चलिए अभी अंदर चलेंगे और गाड़ी को करेंगे पार्क, भूख भी ज़्यादा लगी है। चलिए अभी गाड़ी को पार्क करते हैं जल्दी से और अंदर चलते हैं।
अभी हम मलकापुर क्रॉस करके पहुंच चुके हैं फाइनली अनुस्कुरा घाट पे, और अभी हम यहाँ पे खाएंगे और कांदा भजी और चाय भी लेंगे, देखेंगे कि उसके पास और क्या अवेलेबल है। सो यस, फाइनली वी आर हियर एट अनुस्कुरा घाट, बहुत खूबसूरत है। सो ये रही गर्मा गर्म कांदा भजी और ये अनुस्कुरा घाट के खूबसूरत नज़ारे। अभी हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। ओके, सो चलिए अभी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपको अनुस्कुरा घाट भी दिखाऊंगी पूरा। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अभी ये कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं गोवा, आपको अनुस्कुरा घाट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सो अभी मिलेंगे अगले संडे को। सो टिल देन टेक केयर। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल।